चल निकल इमरान भराओ जल्दी भराओ छुटिया हिले लागी रही जैसा कि आप देख सकते हैं हुजूर साहिब सज्जादा अभी आराम फरमा है और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको वीडियो दिखाया कि ताजिया शरीफ यहां रखी गई है और अभी हुजूर साहिब सज्जादा ताजिया जैसे यहां से रवाना होगी उसके पीछे पीछे चलेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि करबला के पास सेहरा पोसी करेंगे हज़रत और अभी वहाँ फिर उसके बाद जब सेहरा पोसी हो जाएगी फिर हज़रत जब इजाज़त देंगे तो उसके बाद सारी ताजियाँ वहाँ इकट्ठा होकर फिर उसके बाद एक साथ निकलते हुए आस्थाने की तरफ जाएगी फिर वहाँ से दफन होगी जैसा कि आप सब कुछ वीडियो में देख सकते हैं। और इमरान भराओ जल्दी भराओ बक्कू
है फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और एक बार हम फिर की चौथा शरीफ जा रहे हैं और आज है 10 मुहर्रम और मैं आपको आज वीडियो में दिखाऊंगा किस तरीके से बसखारी से ताजिया की चौथा शरीफ जाती है। और अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे पीछे ये ताजिया आ रही है। और ये आपको बता दें कि ये पूरी ताजिया यहाँ से चल के करबला जाएगी, उसके बाद सेहरा पोशी होगी। साहिब सज्जादा पीछे हैं, वो आ रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे चुंगी पे, फिर वहाँ से चलेंगे करबला, फिर वहाँ पे सेहरा पोशी होगी, उसके बाद हर जगह की ताजिया आएगी, उसके बाद फिर वहाँ से रवाना होगी आस्थाने की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये चलता हुआ ये कोल्ड स्टोर पर आ चुकी है ताजिया, और अभी कुछ ही देर में चुंगी पर आएगी ये ताजिया, आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं अभी कोल्ड स्टोर पर ताजिया पहुँची है। और अभी वहाँ पर प्रशासन बहुत ही ज़्यादा सख्त है, क्योंकि बहुत ही लाखों का मजमा होने वाला है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप ताजिया अभी पीछे है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये घरोपुर ताजिया आ चुकी है और अभी कुछ ही देर में ये चुंगी पर आएगी, उसके बाद करबला जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप ये देख सकते हैं ये घरोपुर ताजिया आ चुकी है, अभी कुछ ही देर में ये चुंगी पर पहुंचेगी, उसके बाद साहिब सज्जादा वहां पर इंतज़ार कर रहे हैं, वहां पर अभी सेहरा पोशी होगा आप देख सकते हैं। और रास्ता पूरा क्लियर कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा, आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहां पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी हम चुंगी पर खड़े हुए हैं और अभी ताजिया आ रही है, उसके बाद ये करबला में होते हुए जाएगी, उसके बाद साहिब सज्जादा वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ पर सेहरा पोशी होगा जैसा कि आप देख सकते हैं। ये ताजिया वहाँ पर पहुँची, अभी आप देख सकते हैं, और उसके बाद ये ताजिया इधर से होते हुए जाएगी, उसके बाद वहाँ से ये करबला जाएगी, उसके बाद वहाँ पर सेहरा पोशी होगी जैसा कि आप देख सकते हैं। ये ताजिया आ चुकी है ये चुंगी पर, आप देख सकते हैं, और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये चुंगी पे आ चुकी है ताजिया, और अभी इधर से ये रवाना होगी, ये करबला जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम काबिज भाई, खैरियत है? जैसा कि आप देख सकते हैं ताजिया वहां पर आ चुकी है, और ये देख सकते हैं आप, ये सब बसखारी वाले लोग हैं, आप देख सकते हैं ये। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम किचोदा शरीफ में आ चुके हैं, और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए ये पार्ट वन होगा, और पार्ट टू में हम दिखाएंगे आपको कि हम यहाँ से किस तरीके से करबला जाएंगे, फिर वहाँ पे
दुआ होगी चौक पे साहिबे सज्जादा, वहाँ पर दुआ करेंगे। उसके बाद वहाँ से सहन आस्थाने की तरफ हम जाएंगे, फिर वहाँ पे ताजिया किस तरीके से आएगी, कैसे मातम होगा, कहाँ पर ताजिया दफन होगी, सब कुछ पार्ट टू में वीडियो देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।